नई टिहरी जिला मुख्यालय में स्थित बौराड़ी स्टेडियम के खस्ता हाल को लेकर अब स्थानीय निवासी पूरे पशोपेश में है। इसको लेकर लोगों ने एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से स्टेडियम के पुनर्निर्माण की मांग की। दरअसल तत्कालीन सरकार ने बौराड़ी स्टेडियम के निर्माण को लेकर 12 करोड़ 75 लाख रुपए आवंटित किए थे, जहां बौराड़ी स्टेडियम का पुनर्निर्माण चल रहा था। स्टेडियम में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जा चुके हैं, तब कहीं जाकर स्टेडियम का कायाकल्प हो सका है। हम लोग एक सांकेतिक धरना स्टेडियम की दुर्दशा को लेकर कर रहे हैं। पिछली सरकार जो हरीश रावत जी की हमारी पुरानी सरकार थी, उसने 16 करोड़ रुपए इसके लिए रिलीज किया था, जिसमें से मात्र 6 करोड़ रुपए यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे ये निर्माण हुआ है। लेकिन लगत इस सरकार को साल भर होने जा रहा है, बाकी का पैसा अभी तक नहीं आया। इससे क्या हो रहा है कि सारा का सारा स्टेडियम की बिल्कुल बेकदरी हो गई है, ना यहाँ पर खेल प्रतिभाएं खेल पा रही है। लेकिन जैसे ही निर्माण कार्य रुका, उसके बाद अब स्टेडियम में जगह जगह गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। मांग हमारे स्टेडियम को लेके कि जो यहाँ स्टेडियम में यहाँ पैसा आया था, वो यहाँ पैसा पूरा खर्च नहीं हुआ है। अभी जो आज इस टाइम जो सरकार है, पुरानी सरकार ने यहाँ पे पैसा दिया था, वो पैसा यहाँ पे लगाया नहीं है। काम यहाँ पे पूर्ण रूप से भी पूरा काम नहीं हुआ है, जिससे हमारे लड़कों को यहाँ पे खेलने में दिक्कत होती है, यहाँ पे कोई गेम्स नहीं हो पाते हैं। वहीं स्टेडियम के खस्ता हाल को लेकर खिलाड़ियों में भी खासी नाराजगी देखने को मिली। खिलाड़ियों के मुताबिक स्टेडियम के खस्ता हाल के चलते खेल की कोई प्रतियोगिता नहीं हो पा रही है। फिलहाल स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य रुकने के चलते अब स्टेडियम एक गांव की सड़क की तरह दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस स्टेडियम को लेकर कब पुनर्निर्माण का काम शुरू करती है। टिहरी से टीवी 100 के लिए ओम रमोला की रिपोर्ट।